हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम सीखेंगे कि रूट टू को इर्रेशनल नंबर कैसे प्रूव करें रूट टू रूट थ्री ये सभी हमारे इर्रेशनल नंबर है रूट फाइव भी तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इर्रेशनल नंबर्स होते क्या हैं तो इर्रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर नॉट रैशनल इट मीन्स इेशनल नंबर्स वे नंबर होते हैं जिन्हें हम ए अपॉन बी फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सकें क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर होता है उसे हम ए अपॉन बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और हम ये मान के चलते हैं बी इज नॉट इक्वल टू जीरो हमारा डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता तो अब हम रूट टू को इेशनल प्रूव करेंगे और उसे इेशनल प्रूव करने के लिए हम प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन ये टेक्निक यूज करेंगे तो कॉन्ट्रोडिक्शन का मतलब हम उसका अपोजिट एज्यूम करेंगे और फिर उसको रोंग प्रूफ करेंगे तो अब क्योंकि हमें इसे इर्रेशनल प्रूफ करना है तो इसका कॉन्ट्रोडिक्शन क्या होगा कि हम एज्यूम करें कि रूट टू एक रैशनल नंबर है तो स्टार्ट करें तो सबसे पहले लेट रूट टू इज अ रैशनल नंबर अब हमने रूट टू को रैशनल नंबर मान लिया जब हमने इसे रैशनल नंबर कंसीडर कर लिया तो इट मींस रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी हमने भी बताया ना रैशनल नंबर जिसे ए अपॉन बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें और फिर कंडीशन क्या है कि बी इज नॉट इक्वल टू जीरो साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है यहां पर वो ये कि ए एंड बी ये जो दोनों नंबर्स हैं हमारे इन नंबर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए यानी ये दोनों नंबर्स किसी भी कॉमन नंबर के टेबल में नहीं आने चाहिए तो इट मीन्स ए एंड बी आर को प्राइम को प्राइम मतलब दे डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर तो ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो हम स्टेटमेंट में लिखते हैं अब हमने जब रूट टू को ए अपॉन बी के इक्वल ले लिया तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बी रूट टू इज इक्वल टू ए इसके बाद हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स दोनों साइड स्क्वायर करने का मतलब है b रूट टू होल स्क्वायर ना सिर्फ b का स्क्वायर नहीं रूट टू का स्क्वायर नहीं कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अब स्क्वायरिंग खोलेंगे तो b स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर इज टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी हमारे पास इसे रीअरेंज करें तो टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ए स्क्वायर है वो टू से डिविजिबल है That means divides A अब A को डिवाइड कर रहा है तो टू हमारा ए को भी डिवाइड करेगा तो हम साथ ही साथ लिखेंगे टू ऑल्सो डिवाइड्स ए अब ए अगर टू से डिवाइड हो रहा है इट मीन्स टू जो है वो ए का फैक्टर हो गया इट मीन्स टू इज अ फैक्टर ऑफ ए ये हमें यहां से एक रिजल्ट मिला अगर टू ए का फैक्टर है तो हम ए को टू सी वेयर सी इज एनी पॉजिटिव इंटीजर क्योंकि आप देखिए अगर हम टू को वन से मल्टीप्लाई करें तो हमें टू मिलेगा टू से मल्टीप्लाई करें तो फोर मिलेगा थ्री से करें सिक्स मिलेगा यानी सी जो है अगर हम उसकी वैल्यू चेंज करते जाएं तो हमें जो भी नंबर्स मिलेंगे वो सब के सब टू से डिविजिबल होंगे और हम यही कह रहे हैं कि ए जो है वो ऐसा नंबर है जो टू से डिवाइड हो रहा है अब हमने जो ए इज इक्वल टू टू सी लिया है उसे हमें हमारी इक्वेशन में पुट करना है कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे हम इक्वेशन वन इसको हम इक्वेशन वन का नाम दे देते हैं पुट ए इज इक्वल टू टू सी इन इक्वेशन वन तो हमारी इक्वेशन वन क्या है टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अब टू बी स्क्वायर ए की जगह हमें पुट करना है टू सी और उसका होल स्क्वायर तो ये तो टू बी स्क्वायर है ही टू टू जब फोर टू का स्क्वायर तो फोर हो गया और सी स्क्वायर फिर बी स्क्वायर को यहां रखेंगे टू नीचे जाएगा डिवाइड हुआ आया हमारे पास टू सी स्क्वायर तो यहां ने हमारे पास स्टेटमेंट हमें मिला कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी स्क्वायर जब हमें ये स्टेटमेंट मिल गया इट मींस कि जो हमारा बी स्क्वायर है इट इज डिविजिबल बाय टू बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू सेम इसी ढंग से जैसे यहां पर था ए स्क्वायर टू से डिवाइड हो रहा था तो बी स्क्वायर भी टू से डिवाइड हो रहा है तो टू ऑल्सो डिवाइड्स बी तो टू बी को भी डिवाइड कर रहा है अब हमारे पास आगे टू एज ए कॉमन फैक्टर आ गया कि वो ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है इट मीन्स क्या हुआ कि ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर कौन सा है इनका कॉमन फैक्टर टू और ऊपर हमने माना कि ए एंड बी आर को प्राइम और यहां पर हमें कॉमन फैक्टर मिल रहा है हमें एक टू तो ये जो है ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे एजेंशन को तो अब हम यहां पर लिखेंगे नाउ ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर टू दैट मीन्स दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजेंशन जो हमने एज्यूम किया था कि रूट टू एक रेशनल नंबर है तो वो ये उसको कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है तेयर फोर रूट टू इज एन इेशनल नंबर देख रहे हैं आप हमने प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन टेक्निक से इसको प्रूव किया एक बार फिर से देखते हैं सबसे पहले हमने क्या किया रूट टू को रैशनल नंबर कंसीडर किया रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी क्योंकि वो रैशनल अगर हम मान रहे हैं तो ए अपॉन बी के इक्वल होना चाहिए वेयर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए एंड बी आर को प्राइम ये कंडीशन सबसे इम्पोर्टेंट है ये स्टेटमेंट के बिना हमारा आगे का प्रूफ जो है वो इनकम्प्लीट रहता है तो बी इज नॉट इक्वल टू जीरो ए एंड बी आर को प्राइम फिर हम उसे रीअरेंज कर रहे हैं बी रूट टू इज इक्वल टू ए स्क्वांग बोथ साइड्स अरेज किया तो हमारे पास आया टू बी स्क्वल टू ए स्क्वायर इट मीनस कि ए स्क्वायर टू से डिवाइड हो रहा है अगर ए स्क्वायर टू से डिवाइड हो रहा है तो ए भी टू से डिवाइड होगा दोनों हमारे पास आ गया कि ए टू से डिवाइड हो रहा है फिर अगर टू ए को डिवाइड कर रहा है इट मीन्स ए इज इक्वल टू टू सी ए इज इक्वल टू टू सी अब सी में हम मान रहे हैं कि वन टू कोई भी फैक्टर हो सकता है तो ये टू फोर ये सारे हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं फिर हमने क्या किया ए को टू सी पुट किया तो फिर हमने उसकी वैल्यू इक्वेशन वन में पुट की तो टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी होल स्क्वायर उसे अरेंज किया खोला बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी स्क्वायर आ गया इट मीन्स बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू टू ऑल्सो डिवाइड बी यानी वही स्टेटमेंट हो गया ना अगर ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है टू से बी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है टू से तो फिर ए और बी भी डिवाइड होंगे से इट एंड हैव अ कॉमन फैक्टर अब इससे क्या हुआ हमारा जो जो था कि root जो है वो रेशनल नंबर है उसमें कॉन्ट्रोडिक्शन आ गया देरफोर रूट टू इज एन इेशनल नंबर सेम इसी मेथड से हम रूट थ्री रूट फाइव इनको भी इेशनल प्रूव कर सकते हैं मेथड वही रहेगा यहां हमारे पास रूट टू की जगह रूट थ्री हो जाएगा रूट थ्री इज इक्वल टू ए अपॉन बी फिर यहां रूट थ्री इस तरह से हम चेंज करेंगे जब स्क्वायर करेंगे तो टू की जगह ये थ्री हो जाएगा और यहां पर हम जो टू इज अ फैक्टर ऑफ ए जो हम ले रहे हो देन थ्री इज अ फैक्टर ऑफ ए हो जाएगा ए इज इक्वल टू थ्री सी क्योंकि थ्री से डिवाइड होगा वो और सेम मेथड से हम रूट थ्री रूट फाइव इनको भी इरेशनल प्रूव कर सकते हैं आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक कीप प्रैक्टिसिंग स्टे होम स्टे सेफ